अब बारी है एक्सरसाइज की। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई जो थे वो गर्मियों के मौसम में घर की तलाश के लिए निकले थे। तुम्हें कैसे पता चला? तो गरम गरम धूप थी और फिर आम के पेड़ के नीचे गए और आम के फल खाए। तो जो आम के पेड़ फल होते हैं वो गर्मियों के सीजन में ही आते हैं। ये कौन सा महीना होगा? तो मई या जून का महीना होगा। तो घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो वो कहीं पर भी किसी झोपड़ी में रहते होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी हिंदी की बुक में लिखने हैं। इसके बाद कैसे चुनोगी इन मौक़ों पर? तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन सा पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं? तो केले के पत्ते का। फिर बारिश से में भीगते समय छाते की तरह केले के पत्ते का। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का। फिर रंग बनाने के लिए टेसु के पत्ते का। और गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए तो नारियल के पत्ते का। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो आपको कौन सा पेड़ पसंद है और आप घर में कौन सा पेड़ लगाना चाहते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि वह कई तरह से लाभप्रद है और नारियल का पानी और गिरी दोनों ही अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ मुझे नारियल का पेड़ पसंद है तो मैंने यहाँ नारियल के पेड़ के बारे में लिखा है। आपको जो भी पेड़ पसंद हो आप उसके बारे में उसका नाम लिख सकते हैं और वो पेड़ आपको क्यों पसंद है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ और पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। तो यहाँ पे पत्तियों के नाम लिखने हैं और वो जो ये सेंटेंस है वो किस पत्ती का है उससे हमें जोड़ मिलानी है। तो पहले लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है तो वो आम की पत्ती होती है। तो ये वाली उसको यहाँ आम की पत्ती से मिलाना है। फिर नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है तो वो पीपल की पत्ती होती है। तो ये रहा पीपल की पत्ती। फिर जिसके किनारे लहरदार हैं तो वो केले का पत्ता। तो ये रहा केले का पत्ता। फिर गोल पत्ती तो कमल की पत्ती और ये रही गोल पत्ती। तो ये यहाँ पे मैंने जोड़ मिलाई है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये जोड़ मिलानी है। फिर इसके बाद कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम से नाम में ये क्यों है? तो दातुन। तो दातुन दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए उसको दातुन कहते हैं। फिर छलनी। तो इससे हम चाय को छलते हैं इसलिए उसको छलनी कहते हैं। और मथनी। तो उससे हम दही मथते हैं, दही मथ कर छाछ बनाते हैं इसलिए उसको मथनी कहते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे इस तरह से फील करनी है। फिर इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनती है? तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो किससे बनती है उसका हमें नाम लिखना है। तो ये है रबर। तो वो रबर से बनती है। ये गुब्बारा तो वो भी रबर से बनता है। ये वाली रस्सी तो वो नारियल के पेड़ से बनती है। ये तो बांस से बनता है। और ये कप तो नारियल की छाल से भी बनते हैं और कपास से भी बनते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। तो यहाँ पे तीन पेड़ों के नाम दिए गए हैं, नारियल, आम और केला। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो किससे मिलता जुलता है तो उसके सामने हमें राइट करना है। जैसे सबसे घना, तो आम का पेड़ होता है वो सबसे घना होता है इसलिए
यहाँ पे राइट क्लिक करना है। फिर सबसे ऊंचा, तो नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, इसलिए नारियल के पेड़ में राइट क्लिक करना है। फिर चढ़ने में सबसे आसान, तो नारियल का पेड़ चढ़ने में आसान होता है, इसलिए नारियल के वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करना है। फिर सबसे मोटा तना, तो आम का पेड़ सबसे मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है। फिर सबसे बड़े पत्ते केले के पेड़ के होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है। फिर सबसे मीठा फल आम का होता है, इसलिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है। और फल खाना सबसे आसान, तो केले का होता है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको इस तरह से टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। फिर कुछ और फलों के नाम लिखो, तो गुठली वाले फल, तो यहाँ पर हमें गुठली वाले फल के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे बिना गुठली वाले फल के नाम लिखने हैं। तो आम, जामुन, बेर, ये इत्यादि गुठली वाले फल है, तो उसको यहाँ पे लिखने हैं। फिर केला, फिर सेब, अनार, संतरा, ये सारे बिना गुठली वाले फल है, तो इसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने टेक्स्ट बुक्स में वाले नाम लिखने हैं। फिर किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, तो किन फलों को नहीं खा सकते, तो केला, पपीता, अनार, संतरा इत्यादि फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, तो कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, तो केला, पपीता, सेब इत्यादि जो फल है वो हमें हर मौसम में मिलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी की बुक में लिखने हैं।